नहीं है, मासूमियत इतनी जो आप दिखा रहे हैं, मुझे बस इतना समझा दीजिए कि जब मैं पंजाब पर आपसे सवाल पूछ, थोड़ा सा मुझे ये जो ग्रीन फुटबॉल है इसका मतलब भी थोड़ा सा समझाएं प्लीज। क्रिकेट की गेंद, ममता दीदी को उनसे सिर्फ क्या चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। उस मूर्ख आदमी को, उस अपराधी को, उस क्रिमिनल को, हाफिज सईद का जो बाप है उसको तुमने टेलीविजन पर बैठा रखा है, अर्णव गोस्वामी को। हर हफ्ते की तरह बात इस हफ्ते भी गोदी मीडिया में खटे कुछ मजेदार किस्सों की करते हैं। मीडिया का झुकाव ज्यादातर सत्ता में बैठी सरकार बीजेपी की तरफ दिखाई देता है और अमित शाह पत्रकारों से बात करते हुए कुछ ऐसा बोल गए जिस वजह से मीडिया किसके पक्ष में है ये साफ कर दिया। एबीपी न्यूज के पत्रकार से बात करते हुए अमित शाह मीडिया पर कुछ टिप्पणी कर गए, आप खुद ही सुनिए। रविंद्रनाथ भाटिया जो उस टाइम ममता जी के साथ थे आज इधर है, क्या कहना? देखिए एबीपी भी अभी ममता जी के साथ है, चुनाव के बाद हमारे साथ आते इतना लोग। देखिए एबीपी भी अभी ममता जी के साथ है, चुनाव के बाद हमारे साथ आते इतना लोग। ये एबीपी न्यूज है या बीजेपी न्यूज, ये तो पहले ही एंकर सच बोल चुकी हैं। अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर, अब बीजेपी न्यूज पर, माफ कीजिए एबीपी न्यूज पर। मीडिया का सरकार की तरफ झुकाव देखकर ही विपक्ष के नेता मीडिया एंकर को डिबेट में सुना देते हैं। ऐसा ही कुछ आज तक की एक डिबेट में देखने को मिला। इस डिबेट में अजनोम कश्यप ने विपक्षी नेता अफजल अंसारी से कुछ सवाल किए। उन्होंने अपने जवाब में मीडिया पर टिप्पणी की जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हुई। फैलाने में सफल हो गए कि अब मुख्तार का अंतिम दिन है, अब मुख्तार का अंतिम समय है। इसकी क्या जरूरत थी? जब ट्रायल के लिए सुप्रीम कोर्ट आप गए थे और ट्रायल करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको ट्रांसफर किया, तो फिर ये कहने की क्या जरूरत है कि आज तो आखिरी रात है, आज तो आखिरी दिन है। ये सारी भ्रम की स्थिति गैर जिम्मेदार नेताओं के उन बयानों को जो मीडिया ने बहुत प्रमुखता से दिखाया, जो सच्चाई थी उसको तो दबा दिया। अंजना ओम कश्यप जी, मैं आपको ही जज मान लेता हूँ। अरे सर, जज मानने की जरूरत नहीं है, अपने जज मानने की जरूरत नहीं है। मासूमियत इतनी जो आप दिखा रहे हैं, मुझे बस इतना समझा दीजिए कि जब मैं पंजाब पर आपसे सवाल पूछती हूँ आप जवाब नहीं देते हैं। जज क्या आप मुझे बनाइएगा? हम तो बस ये चाह रहे हैं कि आपकी साइड ऑफ स्टोरी भी आए, हर स्टोरी में हम दोनों पक्ष दिखाते हैं। आप सवालों का सामना कीजिए ना, बताइए ना पंजाब में रहने के क्या जरूरत है? घबरा रही हैं जो लोग आपको ये प्रश्न बता रहे हैं पूछने के लिए, हो सकता है मेरी स्ट्रेटजी हो, मैं नहीं बताऊंगा आपको। मीडिया का पक्ष और विपक्ष की तरफ कितना झुकाव है ये आप मीडिया के बंगाल चुनाव को लेकर मीडिया की कवरेज से अंदाजा लगाया जा सकता है। तीखा होता जा, टीएमसी करे तो चुनाव लीला और बीजेपी करे तो कैरेक्टर ढीला। थोड़ा सा मुझे ये जो ग्रीन फुटबॉल है इसका मतलब भी थोड़ा सा समझाएं प्लीज। क्रिकेट की गेंद ग्रीन होती है, मगर आज ताली दे रहे ममता दीदी को उनसे सिर्फ क्या चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। धर्म धर्म की बात है, जात ना पूछो साधु की। हिंदुस्तान लिंचिस्तान हो गया था, मेरी चाची की मुछ होगी तो वो चाचा होता। हिंसा, मुसलमान होते तो मेरे ख्याल से भगवान श्री राम चबरी के बेर भी खा लेते और मुसलमानों को भी गले लगा लेते। माफिया मुख्तार, अब योगी के द्वार, विक्टिम कार्ड खेलने की क्या जरूरत है? यूपी पुलिस सड़क रास्ते लेकर आ रही है मुख्तार अंसारी को। अब तो हो रही है ना घर वापसी, उसको पंजाब पसंद है मुख्तार को, वो यूपी नहीं आना चाह रहा था लेकिन अब आना पड़ रहा है। और योगी मॉडल मतलब ये वायरस है, उसकी वैक्सीन योगी वैक्सीन। हाँ, हम राइट विंग चैनल है क्योंकि राइट माने सही। फिर भाई आप, हम मीडिया को क्यों ही ट्रोल करें, उनको तो नेता ही ट्रोल कर देते हैं। आप एक नेता की पुरानी वीडियो देखिए जिसमें नेता टाइम्स नाउ पर भड़क रहे हैं और अर्णब गोस्वामी की भी आलोचना कर रहे हैं। उस मूर्ख आदमी को, उस अपराधी को, उस क्रिमिनल को, हाफिज सईद का जो बाप है उसको तुमने टेलीविजन पर बैठा रखा है, अर्णब गोस्वामी क्यों मिले हाफिज सईद? मैं उस मूर्ख आदमी ने, अर्णब गोस्वामी ने कल नाक क्यों रगड़ी? आप अर्णव गोस्वामी की तरफ से क्यों मेरे, आप जाइए यहाँ से, निकलिए मेरे यहाँ से, आप मेरे यहाँ से निकलिए, आप निकलिए मेरे यहाँ से। मैं टाइम्स नाउ जैसी घटिया चैनल को, इसको निकालिए इस आदमी। नहीं नहीं, आतंकवादी आप हैं, आप आतंक आप फैला रहे हैं, आप झूठे सवाल कर रहे हैं, आप पर्सनल सवाल कर रहे हैं, आप निकलिए यहाँ से। टाइम्स नाउ सबसे गंदा चैनल, अर्णव गोस्वामी सबसे पतित आदमी है, सबसे झूठा आदमी है। अर्णव गोस्वामी ने कल इतना झूठ बोला है। वाह क्या सीन है। इस हफ्ते एक और चीज खास रही, अकेले फिल्म अवार्ड्स नहीं बांटे गए बल्कि हमारे गोदी मीडिया पत्रकारों को भी काफी अवार्ड्स मिले। सभी पत्रकारों को ENBA अवार्ड्स मिले। एक एक कर कुछ गिने चुने पत्रकारों की चर्चा करते हैं।
इन अवार्ड्स की ये खास बात रही कि ये अवार्ड्स लगभग हर एक पत्रकार को मिला। आज तक की एंकर श्वेता सिंह को बेस्ट कवरेज कोरोना के लिए अवार्ड मिला। जब देश में लॉकडाउन लगा तभी यही श्वेता सिंह अंतराक्षी खेल रही थी और दूसरी तरफ मजदूर पैदल घर की ओर जा रहे थे। अंजना, बचपन में जो खेलते थे वो याद तो होगा आपको, तो इस बार मैं शुरू कर रही हूँ समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर आज तक का नाम। आप परंतु मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। अंजना कश्यप को दिल्ली दंगों की कवरेज के लिए एक अवार्ड मिला। इसके साथ ही बेस्ट एंकर हिंदी की कैटेगरी में अंजना को अवार्ड मिला। अंजना कश्यप और बेस्ट एंकर आपको क्या लगता है? इसके अलावा अमीश देवगन को भी अवार्ड मिला और रोहित सरदाना को उनके शो दंगल के लिए भी। रूबिका लियाकत को भी शिखर समागम के लिए अवार्ड मिला। इतने सारे अवार्ड बढ़ते गए पर अर्नब को कोई अवार्ड नहीं मिला और शायद सुधीर चौधरी को भी अवार्ड नहीं मिला, ऐसा क्यों? तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए। ये तो थी इस हफ्ते की बात। आप हमें कमेंट कर अपनी राय दे सकते हैं और मजेदार खबरों से जुड़ी न्यूज देखने के लिए बने रहें पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।